अमेजोन में ना जाके सर्च करना आप कैफीन फ्री प्री वर्कआउट, और सबसे पहले जो प्री वर्कआउट होगा ना गाइस वो 300 mg का होगा। आपकी डेली रिकमेंडेड डोज ही 400 mg की है। उसके अलावा उसमें स्टेबलाइजर्स, एडेड प्रिजर्वेटिव्स, सुक्रोलोज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लीन बी, सर्टिफाइड ट्रेनर, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, और मैं बहुत ज़्यादा फेमस हूँ इंस्टाग्राम पे। अरे कहना क्या चाहते हो? मजाक कर रहा हूँ। तो गाइस प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है जब इन प्री वर्कआउट्स में भर भर के स्टिमुलेंट्स और फिलर्स इतने ज़्यादा ऐड कर दिए जाते हैं कि ये चीप कर दिया जाता है इसको, और ये इफेक्टिव भी होते हैं। तो लोग क्या करते हैं ना, इसको भर भर के खरीदते हैं। ये नहीं सोचते कि ये आपको शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस तो देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपकी बैंड बजा दे। ये आपके ना इंटरनल हेल्थ को बहुत दिक्कत देता है। शुरू में तो आपको पता नहीं चलेगा, शुरू में तो आपको बहुत मजा आएगा कि वाह मैंने एक स्कूप ले लिया, अब मेरा वर्कआउट बहुत ही बढ़िया गया, मुझे वर्कआउट करने में बहुत मज़ा आ गया। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी बॉडी इसकी डिपेंडेंट हो जाती है, आपको इसके बिना वर्कआउट करने में मज़ा नहीं आता है, और ये कहीं ना कहीं आपके इंटरनल सिस्टम को भी डैमेज करता है। ज़्यादातर जो प्री वर्कआउट होते हैं ना गाइस, वो रिलाय करते हैं स्टिमुलेंट पे। स्टिमुलेंट क्या है? एक तरीके का ड्रग। स्टिमुलेंट क्या करते हैं ना गाइस, स्टिमुलेंट ये आपको टेम्प्रेरी फेज के लिए आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बॉडी की अलर्टनेस बढ़ा देता है, जिससे आपको वर्कआउट करने में बहुत मज़ा आता है। प्री वर्कआउट में जो आपको किक मिलता है ना, वो मिलता है स्टिमुलेंट की वजह से। जितना ज़्यादा स्टिमुलेंट उतना ज़्यादा आपको किक मिलता है। और हाँ, इसके ना बहुत सारे नुकसान हैं, इंसोम्निया और एडिक्शन, और स्टिमुलेंट सेंसिटिव लोग तो इसे ले ही नहीं सकते। दूसरी दिक्कत है गाइस, जो इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स एंड शुगर्स ऐड किए जाते हैं। मैं अभी अमेजोन पे सर्च कर रहा था और मैंने देखा कि सारे जितने मोस्टली इंडिया के ब्रांड्स हैं ना गाइस, सब कोई ब्रांड मुझे नज़र नहीं आया जिन्होंने आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, सुक्रोलोज वगैरह यूज़ ना किया। और हाँ, और इसको सस्ता करने के लिए ना कुछ ब्रांड तो इसमें माल्टाडॉक्सिन तक का इस्तेमाल कर रहे हैं। माल्टाडॉक्सिन के अलावा गाइस, ये लोग फिलर्स भी यूज़ कर रहे हैं अपने सप्लीमेंट को सस्ता करने के लिए, रेफर लेबल। इन सारी वजहों के कारण मैंने ना काफ़ी रिसर्च करा, और फिर एक प्री वर्कआउट मैंने पाया जो कैफीन फ्री भी है, और ये आपके वर्कआउट में बहुत ज़्यादा मदद करेगा दोस्तों। एक ब्रांड जो मैं यूज़ कर रहा हूँ पिछले एक हफ्ते से, वेलकोर, इसको मैंने इंट्रा वर्कआउट भी यूज़ किया है और प्री वर्कआउट भी यूज़ किया है। अगर मैं इसको किसी टिपिकल प्री वर्कआउट से कंपेयर करूं, तो ये हाँ आपको वो किक नहीं देता है जो आपको मिलती है ना किक दूसरे वर्कआउट में, वो देता है। लेकिन गाइस गाइस गाइस, ये आपको वो आपको जो फोकस रहना चाहिए ड्यूरिंग द वर्कआउट, और जो आपको एनर्जी मिलनी चाहिए, ये आपको प्रोवाइड कराता है। और बेस्ट पार्ट है गाइस, मैं इसको शाम को भी ले सकता हूँ, और ये मेरी स्लीप में कोई दिक्कत भी नहीं देता है। इसमें ना सारे एसेंशियल अमीनोस तो हैं ही, साथ में इसमें BCAAs, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो आपको इंट्रा वर्कआउट आपको प्रोवाइड कराते हैं एनर्जी, और जो फैट फ्यूल है ना गाइस इसमें, वो आपको फोकस भी प्रोवाइड कराता है। और बेस्ट पार्ट है गाइस, इसमें जीरो स्वीटनर्स, जीरो कैफीन, एंड व्हाट एल्स यू वांट। और हाँ, एक चीज़ बताना तो भूल ही गया, इसमें स्टेबलाइजर्स भी नहीं है और प्रिजर्वेटिव्स भी नहीं है।